नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कलर और कक्षा एक की किताब का संपूर्ण मूल्यांकन या अवलोकन करेंगे, उसके बाद हर एक पाठ को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे अन्य वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें और ऐसी ही जानकारी से भरे हुए आपके पठन पाठन से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो ये है मुख्य पृष्ठ, ये कलर ऑफ कक्षा एक। यहाँ पर बच्चों को अपना बायोडाटा फिलअप करना है, उसके बाद ये पाठ्यक्रम। देखिए, एक बच्चे को सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखना, ये भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए और गणित संख्या पूर्व संबोध 1 से 99 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना तथा शून्य का ज्ञान, ये प्रेरणा लक्ष्य भी हो सकते हैं। संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में रखना, अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याएं यानी कि आगे और पीछे की संख्याओं को जानना, जोड़ना बिना हासिल का, घटाना बिना उधार का, इकाई तथा धाई का ज्ञान, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार व वर्गाकार वस्तुओं की पहचान, 1 से 100 तक की मुद्रा की पहचान, अमानक लंबाई मापन, तो ये उसका गणित का ज्ञान संभावी होना चाहिए। और उसके बाद ये इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की चारों दक्षताओं स्किल्स का विकास जो भी हमने जानी थी, नर्सरी रेम्स राइम्स के माध्यम से बच्चों में लिसनिंग एवं स्पीकिंग स्किल का विकास, उसके बाद परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं, फूलों, फलों, सब्जियों, जानवरों, अंग्रेजी के नाम, ये जो चीज़ें होती हैं, अंग्रेजी में रंगों की पहचान, अल्फाबेट एंड देयर साउंड, एक्शन की पहचान कराना, ये सब इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में उसको आना चाहिए। नंबर एंड फिगर एंड डिजिट, अंग्रेजी में रंगों की पहचान, पर्यावरण अध्ययन के अंदर हमारा शरीर तथा उसकी साफ सफाई, हमारे पालतू पशु पक्षी भी परिवार के अंग, ये पास पड़ोस और ये पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद पाठ एक, मेरा देश, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, तो ये पहली कविता। उसके बाद बाघ, बाघ के अंदर ये घोंसला है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, ये गाय है, खरगोश है, बहुत अच्छा बैलगाड़ी का चित्र है, बिल्ली का, ये सभी चित्र आप सभी तक पहुंचाएंगे, बनाना सिखाएंगे, हजारा, तितली, ये सभी वस्तुओं की बच्चे पहचान कर सके जो उसके आसपास परिवेश में होती हैं। साथ ही ये मिलान कि इस झोले के अंदर क्या रखा जाता है, बैग के अंदर, उसके बाद ये खाना बन रहा तो किसमें खाया जाएगा, और ये कार है तो इसका मिलान किस से, फिर इस तरह ये जो चित्र दिए गए इसको करना है, कौन कम और कौन ज़्यादा, तो ये कम है ये ज़्यादा, इस तरह बच्चों को पहचान करानी। उसके बाद पाठ जो है, तीसरा पाठ है तालाब, इसको भी देख लेते हैं। समग्र पुस्तक का अध्ययन हमको यहाँ पर तालाब का चित्रण है और इसमें बच्चों को जानना है कि हमारे तालाब में कौन कौन से जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे जो भी हैं, ये जानना है। उसके बाद हुआ सवेरा चिड़िया बोली, पाठ चार, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आँखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते और खाना खाकर पढ़ने जाते, ये कक्षा एक की ये कविता कक्षा पाठ चार। उसके बाद लिखने की तैयारी, बच्चों को सिखाना है कि किस तरह वो लिखेंगे और उसके साथ इस तरह उनको लाइनिंग करनी, तितली, ये थंब इम्प्रेशन, अंगूठे की छाप से विल्ली कैट बनाना, उसका तितली बनाना, मछली बनाना, हाथी, चिड़िया, जो भी ये थंब इम्प्रेशन से बच्चे कर, बड़ वाला गीत, आ से अनार के दाने, लाल लाल आम खाते मिट्टू लाल, तो ये सभी लेकर आएंगे अलग अलग वीडियो के रूम में, ये ओलम है। उसके बाद पापा लगा, हाँ, और ये आपकी जो किताब है पूरा दिया गया है, पतंग सर 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 उड़ी पतंग, ये पाठ सात। उसके बाद ये घरेलू वस्तुएं, घरेलू सामग्री, 12 खड़ी, ये पूरा ज्ञान बच्चों को कराना है, बतख और चूजा, सभी पाठ लाएंगे, हर पाठ की अलग अलग कविताएं पाठ अलग अलग से लेकर आएंगे, अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो मैं आ गया, बतख का बच्चा बोला, ये पढ़ाना बच्चों को,
सैर सपाटा, गेंद, छाता और डिब्बा, तीनों दोस्त थे, तीनों ऊंचे पहाड़ी पर घूमने चले, ये सैर सपाटा वाला पार्ट है। उसके बाद गिनो और बताओ, यहाँ काउंटिंग करनी है, और उसके बाद ये आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन होते हैं, कुली होता है, पुलिसमैन होते हैं, फेरी वाले होते हैं, टी स्टॉल होते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन का चित्रांकन है। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन का चित्र, उसके बाद उड़े गुब्बारे, तो इसे गुब्बारों के माध्यम से चिड़िया, पतंग के माध्यम से बच्चों को जोड़ना और घटाना, जया जगत और जुगनू, तो ये मैदान में खेल रहे थे और इस तरीके से इसके बारे में ये पाठ दिया गया है, बहुत अच्छा पाठ। उसके बाद दादाजी, तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बच्चे घर से बाहर आए, दादाजी, और ये पाठ, इसमें चित्र बहुत अच्छे अच्छे, ये चित्र सभी बनाना सीखेंगे, इकाई और ढाई के बारे में जानना, तो ये है कक्षा एक की कलरों की पुस्तक, लता की कक्षा, और इस तरह जाड़ा गर्मी और बरसात के बारे में बच्चों को मौसम के बारे में जानकारी देना। उसके बाद ये मापन, किस तरह वस्तुओं को मापा जाता है, द्रव वस्तु है तो किस तरह दूरी वगैरह, चंदा मामा आ जाना साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में, बहुत अच्छी कविता। मीना की मुलाकात, और इस तरह ये आपका, और इसी में आपको इंग्लिश अंग्रेजी भी इंट्रोडक्शन और जानकारी, लेट्स टॉक, इन वस्तुओं के बारे में जानना, एप्पल, आंट, बॉल, बस, कैट, तो ये पूरा ए से लेकर जेड तक बच्चों को, अब एम से मोबाइल आ गया, पहले मैं एम से मंकी होता था, मंकी के स्थान पर मोबाइल आ गया, तो इस तरीके मैंगो, नेस्ट, नेट, ओवल, ऑरेंज, ये सभी जानेंगे बच्चे। उसके बाद कलर्स नेम, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्लावर्स, तो ये जो है राइम है, कविता है, रिंगा रिंगा रोज पॉकेट फुले फोजे, रिंगा रिंगा रोज इज पॉकेट फुले फोजे, रिंगा रिंगा रोज इज पॉकेट फुले फोजे, हुस्सा बुस्सा हुस्सा बुस्सा वी आल फॉल डाउन, बहुत अच्छा, ये बच्चे खेलते भी हैं, लेट्स डाउन नंबर्स वी, और इस तरीके से इनको लिखना भी सीखना, जनरल कन्वर्सेशन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तो इस तरह ये आपकी कक्षाई की कलरों की पुस्तक थी, और इसके अलग अलग पाठ भी आप लोगों तक लेकर आएंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और इसके बाद अब लेकर आएंगे कक्षा दो की पुस्तक। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन दबा दें और हमारे साथ अनवरत अध्ययन में जुटे रहें। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।